सुषमा वसुंधरा पर कांग्रेस ने अब नई चाल चल दी है। दोनों को हटाने के बदले में एक नई पेशकश रखी गई है। संसद में जीएसटी बिल के समर्थन का पासा फेंका है अब कांग्रेस ने। दोनों के इस्तीफे पाने में कांग्रेस अब तक नाकाम रही है। राज्यसभा में बीजेपी के बहुमत न होने पर यह शर्त रखी गई है। जीएसटी बिल पर कई दलों को ऐतराज है। इस्तीफे की सूरत में कांग्रेस राज्यसभा से वॉकआउट करेगी। बीजेपी ने कांग्रेस के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। तो सुषमा वसुंधरा का इस्तीफा पाने में नाकाम, कांग्रेस ने अब नई चाल चली है और जीएसटी बिल के समर्थन का पासा फेंका है, जिससे बीजेपी ने ठुकरा दिया है। राज्यसभा में बीजेपी के बहुमत न होने पर शर्त रखी गई है। जीएसटी बिल पर कई दलों को कड़ा ऐतराज है। इस्तीफे की सूरत में कांग्रेस राज्यसभा से वॉकआउट करेगी। बीजेपी ने कांग्रेस के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। तो आपको बता दें कि नई चाल अब कांग्रेस ने चली है। सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे की जो इस्तीफा है उसे पाने में नाकाम कांग्रेस रही है। आज डिजिटल इंडिया वीक का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शाम 4 बजे डिजिटल इंडिया वीक अभियान लॉन्च होगा। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम से ही अभियान लॉन्च किया जाएगा। कई उद्योगपतियों के कार्यक्रम में भाग लेने की संभावना है। तो आज से डिजिटल इंडिया वीक का आगाज करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शाम 4 बजे डिजिटल इंडिया वीक लॉन्च होगा। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम से लॉन्च होगा यह अभियान, जिसमें कई उद्योगपति के शामिल होने की संभावना है। तो शाम 4 बजे लॉन्च होगा डिजिटल इंडिया अभियान। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम से अभियान लॉन्च किया जाएगा, जिसमें कई उद्योगपतियों के कार्यक्रम में भाग लेने की संभावना जताई जा रही है। तो आज से डिजिटल इंडिया वीक का शुभारंभ करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शाम 4 बजे इंदिरा गांधी स्टेडियम में इस अभियान को लॉन्च करेंगे। आपको बता दें कि शाम 4 बजे लॉन्च किया जाएगा, जिसमें कई उद्योगपतियों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। उधर लखनऊ के कुकरैल पर अब वन महोत्सव होगा। सुबह 10 बजे इस वन महोत्सव का शुभारंभ किया जाएगा। सीएम अखिलेश यादव इसमें शिरकत करेंगे, छात्रों को सम्मानित भी करेंगे। तो कुकरैल पर अब वन महोत्सव होगा, जिसका शुभारंभ आज सुबह 10 बजे सीएम अखिलेश यादव करेंगे। इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और मेधावी छात्रों का सम्मान करेंगे इसमें सीएम अखिलेश यादव। तो आपको बता दें कि कुकरैल पर अब वन महोत्सव का शुभारंभ होने जा रहा है। सुबह 10 बजे इस महोत्सव का शुभारंभ होगा, जिसमें सीएम अखिलेश यादव भी शिरकत करेंगे। इतना ही नहीं, इस महोत्सव के दौरान मेधावी छात्रों को संबोधित भी करेंगे सीएम अखिलेश यादव। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का झांसी दौरा है। सीएम यहां शाम 4:15 पर हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन मैदान आएंगे, जहां से सीधे रेलवे इंस्टीट्यूट मैदान पर मेघावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप वितरण करेंगे और संशोधित कन्या विद्याधन योजना का शुभारंभ करेंगे। फिर सीएम इंडियन ग्रामीण क्रिकेट लीग के फाइनल कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री की सुरक्षा के मद्देनजर कड़ी चौकसी बरती जा रही है। झांसी दौरा है आज सीएम अखिलेश यादव का। आपको बता दें कि यहां पर पहुंचेंगे शाम को 4:15 पर और जो मेधावी छात्र छात्राएं हैं उन्हें लैपटॉप वितरण करेंगे, संशोधित कन्या विद्याधन को भी शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि जो ग्रामीण क्रिकेट लीग है उसकी विजेता टीम को भी पुरस्कृत करेंगे सीएम अखिलेश यादव। उनके इस दौरे को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं, तैयारियां जोरों पर है। इंडियन ग्रामीण क्रिकेट लीग की जो विजेता टीम है उसको भी सम्मानित करेंगे सीएम अखिलेश यादव, पुरस्कृत करेंगे। इसके अलावा मेधावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप बांटेंगे और संशोधित कन्या विद्याधन जो योजना है उसका भी शुभारंभ करेंगे सीएम अखिलेश यादव। तो आज सीएम अखिलेश यादव झांसी आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश को नया डीजीपी मिल गया है। जगमोहन यादव अब यूपी के नए डीजीपी बनाए गए हैं। 1983 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं जगमोहन यादव। जगमोहन यादव के नाम पर सीएम ने सहमति दे दी है। सीबीसीआईडी के डीजी हैं जगमोहन यादव, जो अब नए डीजीपी बन गए हैं उत्तर प्रदेश के। आपको बता दें 1983 कैडर के आईएएस अफसर हैं जगमोहन यादव, जो अब नए डीजीपी बने हैं उत्तर प्रदेश के, और उनके नाम पर सीएम अखिलेश यादव ने मोहर लगाई है। तो यूपी को उनका नया डीजीपी मिल गया है। जगमोहन यादव अब नए डीजीपी बने हैं उत्तर प्रदेश के। आपको बता दें सीबीसीआईडी के डीजी हैं जगमोहन यादव और 1983 बैच के आईएएस अफसर हैं जगमोहन यादव, जिनके नाम पर सीएम अखिलेश यादव ने मोहर लगा दी है। आपको बता दें कि डीजीपी नया मिल गया है अब उत्तर प्रदेश को। कल ही रिटायर हुए हैं पूर्व डीजीपी एके जैन और उनकी जगह अब जगमोहन यादव ने पदभार संभाला है।
जगमोहन जी उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी बनाए गए हैं और इस वक्त एक्सक्लूसिव और खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले समाचार प्लस परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। अगर हम प्राथमिकताओं की बात करें तो कौन कौन सी आपकी प्राथमिकताएं हैं? प्राथमिकताएं बड़ी स्पष्ट और सबको मालूम है। लॉ एंड ऑर्डर पहली प्राथमिकता है और पंचायत चुनाव होने वाले हैं, वो बहुत बड़ा चैलेंज है। उसका पूरा इंतजाम कराना और पीसफुल तरीके से चुनाव कराना, क्राइम, कई सेंसेशनल क्राइम जैसे हो रहे हैं उनको उनमें प्रगति लगना और कैसे क्यों क्या किया जा सकता है इसको रोकने के लिए या हो जाने के बाद कार्रवाई क्या की गई उनकी समीक्षा करना, और आम आदमी में विश्वास जगाने के लिए, सुरक्षा भाव जगाने के लिए जो ये दबंगई गुंडागर्दी होती है इस पर प्रभावी अंकुश लगाना। हर लेवल की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करूंगा मैं। कोई चीज चाहे लॉ एंड ऑर्डर पर हो जाए, चाहे क्राइम पर हो, या इस तरह की जो मैं बता रहा हूं दबंगई अराजकता की, जबरदस्ती किसी के साथ न्याय नहीं मिल रहा है, और तो इन चीजों में मैं हर स्तर पर उत्तरदायित्व का निर्धारण जरूर करूंगा। सांप्रदायिक दंगों की बात करें तो इधर काफी कई घटनाएं हुई हैं, उसको लेकर क्या कुछ आपका प्लान है सर? उस पर प्लान जो है उसका प्रिवेंशन, और कहीं अगर कोई चीज छोटी मोटी हो जाए तो उस पर त्वरित प्रभावी कार्रवाई किया जाएगा। यह है उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी जगमोहन यादव, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी बेहतर काम करें और पुलिस के प्रति जो लोगों के बीच स्वयं सिस्मता है उसको कायम रखें। कैमरामैन अश्विनी सिंह के साथ मधेश श्रीवास्तव, लखनऊ समाचार प्लस। जगमोहन यादव नए डीजीपी बन गए हैं यूपी की, जिनसे खास बातचीत की समाचार प्लस के संवाददाता ने। वहीं लखनऊ में सीएम अखिलेश ने यूपी पुलिस को बड़ी सौगात दी है। पुलिस थानों के लिए 1056 चार पहिया वाहनों को हरी झंडी दिखा दी है। सीएम ने इस दौरान कहा कि 1090 हमारी बड़ी उपलब्धि है। सीएम ने कहा कि पुलिस विभाग को आधुनिक बनाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हमने पुलिस विभाग में सबसे ज्यादा प्रमोशन की है। इतना ही नहीं, सीएम ने कहा कि कंट्रोल रूम ट्रैफिक और कानून व्यवस्था में मदद कर रहा है। लोगों में आज भी सिपाही का डर है, लेकिन डर ऐसा हो कि अपराधी भागे, आज समाजवादियों का काम में कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि हम लेकिन प्रचार में अभी भी काफी पिछड़े हुए हैं। ये बताओ पुलिस के लोग जो काम करते हैं कितनी धमकी पाते होंगे, सड़क पे खड़े हैं, थाने पर, फोन पर, कितना धमकी, किन परिस्थितियों में काम करना पड़ता होगा। मैं समझता हूं ये पुलिस के लोग सबसे कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं। हमें आपको तो नाश्ता मिल जाएगा, खाना भी मिल जाएगा, बताओ जवान जो थाने में है कब खाना पाते हैं, कब खाना खाते होंगे। हम लोग तो कार्यक्रम में गए, अपना समय से चाय मिल गई, समय से नाश्ता मिल गया, जो ड्यूटी पे लगा है बताओ कब नाश्ता मिला होगा उसको, कब खाना मिलेगा, खाने का इंतजाम, रहने का इंतजाम। सिपाही का डर आज भी है, वर्दी का डर आज भी है, लेकिन अपराधी भागे ऐसा डर दिखना चाहिए और आम लोग आपका सम्मान करें। हम लोगों ने तकलीफ समझी कि इंदिरा आवास बन रहे जाने कितने वर्षों से, कभी गरीब का घर ही पूरा नहीं बन पाया। कम से कम समाजवादी पार्टी ने लोहिया आवास देकर के गरीब को घर बनाने का पूरा किया है। तो सड़कें भी बना रहे हैं, एक्सप्रेस वे भी बना रहे हैं, मेट्रो भी बना रहे हैं, पार्क भी बन रहे हैं, सुविधाएं भी दे रहे हैं। मैं ये दावा कर सकता हूं काम में समाजवादियों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना नमामि गंगे की पोल खुल गई है। वित्तीय वर्ष 2014 से 15 के बीच न केवल पूरा बजट खर्च हो पाया बल्कि साल 2015 से 2016 की पहली तिमाही के बीच अब तक नमामि गंगे योजना को लेकर एक बैठक तक नहीं की गई। यह खुलासा लखनऊ की नवी कक्षा की छात्रा की आरटीआई में मिले जवाब से हुआ है। वित्त वर्ष 2014 से 15 में भारत सरकार ने गंगा नदी की साफ सफाई से संबंधित नमामि गंगे योजना पर कुल 324 करोड़ 88 लाख रुपए खर्च किए थे।
इसमें से 90 करोड़ रुपए गैर सहायतित परियोजनाओं और 324 करोड़ 88 लाख सहायतित परियोजनाओं पर खर्च किए और 2015 से 16 की पहली तिमाही में गंगा की सफाई पर एक पैसा भी नहीं खर्च हुआ। ऐश्वर्य को दी गई जानकारी के अनुसार वित्त वर्ष 2014 से 15 में गंगा साफ सफाई पर दो बैठकें 27 अक्टूबर 2014 और 26 मार्च 2015 को हुई थी, जबकि वित्त वर्ष 2015 और 16 में गंगा की सफाई पर अब तक कोई बैठक नहीं हुई है। हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी, उन्हें एक संस्था और प्लान बनाया है नमामि गंगे नाम से, और उसमें ये भी था कि बहुत सारी धनराशि हम खर्च कर रहे हैं, ये भी था कि जो 20,000 करोड़ रुपीस खर्च करेंगे 5 साल में। तो बहुत से नेता जाते थे कि हम नदी साफ कर रहे हैं, फोटो खींचती थी, न्यूज़पेपर में आता था, लेकिन जब गंगा को देखते थे तो ऐसा लगता नहीं था कि गंगा साफ हो रही है। और वहीं से मैंने सोचा कि मुझे RTI फाइल करनी चाहिए इसके ऊपर। कि जहां 6,000 करोड़ के खर्चे की बात की जा रही हो और महज 325 करोड़ हुए हों और इस वित्तीय वर्ष में बिल्कुल खर्चा हुआ ही ना हो, तो ये कहीं सरकार की पूरी कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह है। और इसको देख के तो यही लग रहा है कि केवल चेहरे बदले हैं, बाकी बीजेपी की सरकार आने पर भी कोई खास ऐसा बदलाव जैसा नहीं नजर आ रहा। उधर जेलों में सुविधाओं के नाम पर बंदियों और कैदियों से वसूली के मामले तो आपने सुने होंगे, लेकिन एटा जेल में उल्टा जेल के सिपाहियों से हफ्ता वसूली का खेल चल रहा है। इस बात का खुलासा खुद ही एक पीड़ित सिपाही ने कैमरे के सामने किया है। दरअसल जेल में तैनात सिपाहियों से जेल अधिकारियों द्वारा ही हफ्ता वसूली की खबर चर्चा में है। ये खुलासा सिपाही बलवीर सिंह ने किया। ये सिपाही पिछले एक साल से एटा जेल में तैनात है। इसका आरोप है कि उससे और उसके जैसे अन्य 29 सिपाहियों से प्रति हफ्ता 500 रुपए की वसूली की जाती है। वसूली का ये काम अधिकारियों को देने के लिए और अन्य खर्चों के लिए हेड वार्डन बंदी रक्षक रामपाल सोलंकी करता है। बलबीर सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि इस प्रकार की वसूली पूरी जेल के स्टाफ से की जाती है, लेकिन डर की वजह से कोई भी बताता नहीं। उसका कहना है कि उसने वसूली की शिकायत जेल के DIG और अन्य जेल अधिकारियों से भी की, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। हम लोगों से हफ्ता वसूली होती है। कौन करता है हफ्ता वसूली? रामपाल सोलंकी के माध्यम से हफ्ता वसूली होती है। कितने रुपए वसूले जाते हैं? 500 रुपए प्रति हफ्ते दिए जाते हैं, हमको देना पड़ता है। किस बात के लिए जाते हैं? अब साहब ये अधिकारियों को देने के लिए, अन्य खर्च के लिए, ये हम लोगों को भी नहीं पता है कि किस वजह से लिया जाता है। आगरा राइड पर एक हैरान करने वाला नजारा देखने को मिला। एक BTC प्रशिक्षु सहपाठियों के साथ शिक्षकों को प्रभाव में लेने के लिए राइफल लेकर पढ़ने के लिए पहुंचा और पूरे परिसर में बेखौफ होकर बंदूक लेकर घूमता रहा, लेकिन जब मीडिया के कैमरे की नजर उस पर पड़ी तो पहले सभी को प्रभाव में लेने की कोशिश करने लगा, उसके बाद बंदूक को अपनी सुरक्षा के लिए लाने की बात कहने लगा और अपने प्रभावशाली होने का दम भरकर मीडिया को दबाने की कोशिश की, लेकिन जब दाल नहीं गली तो उसने तेवर नरम पड़ गए और फिर उसने गलती से अपने रिश्तेदार की बंदूक लाने की बात स्वीकार की जो कि आर्मी में है और फिर मौका पाकर भाग निकला। लाइसेंस आपका नहीं है? एक व्यक्ति यहाँ राइफल के साथ हमारे परिसर में पाया गया है, तो इसको हम जांच कर रहे हैं। यदि वो हमारे विशिष्ट BTC का कोई छात्र पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी और तत्काल प्रभाव से अभी मैंने एक नोटिस जारी करा दिया अपने सभी BTC छात्रों के लिए कि किसी भी तरह से यहाँ आर्म्स लेके आने की कोई परमिशन नहीं। हाल ही में उड़न तस्वीर देखने का दावा करने वाले कानपुर के एक बच्चे अभिजीत ने अब कैमरे में एलियन की तस्वीर कैद करने का दावा किया है। इस घटना के बाद अभिजीत का पूरा परिवार खौफजदा हो गया है। वहीं एलियन की तस्वीर खींचे जाने की सूचना मिलते ही इलाकाई लोग और मीडिया कर्मियों का जमावड़ा अभिजीत के घर पर लग गया। कानपुर सहित पूरे देश में चर्चा का विषय बने उड़न तस्करी मामले में चौंकाने वाला मोड़ आया है। शहर के श्याम नगर निवासी संतोष गुप्ता और उसके परिवार वालों ने यह कहकर हड़कंप मचा दिया कि उनके बेटे अभिजीत ने एक बार फिर परालौकिक तस्वीर उतारी है। वहीं अभिजीत की माने तो वह बार बार अपने कैमरे में कैद हो रही उड़न तस्करी की तस्वीर लेने घर की छत पर पहुंचा, जहां उसने आकाश की तरफ लेंस करके क्लिक किया तो उसे तस्वीर में छत एक हिसाब में विचित्र किस्म की आकृति दिखाई दी। ध्यान से देखने पर यह किसी परग्रही की तरह नजर आया। वैसे तो यह अभिजीत और उसके परिवार का दावा है, इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। ऊपर
ऊपर गया छत पे, मुझे महसूस हुआ कि कुछ मेरे अगल अगल है, तो मैंने फोटो जैसे ही खींची और मैं खींच के तुरंत नीचे भागा है। तो मैं जब मैंने देखा दो में तो यूएफओ थे, उसमें से एक में एक अजीब सा प्राणी थे, जब मैंने उसको जूम किया तो मैंने देखा वो कि एलियन था। मैं चाचा के घर से अपने वापस आ रहे थे तो मुझे लगा था कि बाइक के ऊपर मुझे लगा था कि कोई येलो कलर की चीज बहुत स्पीड से गई है मेरे ऊपर से। और साइंटिस्ट को ये समझना चाहिए कि एक बार फोटो आ सकती है, दो बार आ सकती है, 25 बार नहीं आएगी। लोकेशन चेंज पे नहीं आएगी, दिन में नहीं आएगी, रात में नहीं आएगी। क्या एलियन हमारे घर के छत पे ऊपर चक्कर लगा रहा, तभी तो पिक्स आ रही सर। इल्यूजन कभी भी मोबाइल पे नहीं आ सकता, इल्यूजन माइंड में आता है, आपको मालूम होगा। इल्यूजन हमेशा माइंड में होते हैं, मोबाइल पे नहीं आते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट जो है शेप में नहीं आएंगे। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक एच सी वर्मा का कहना है कि एलियन की फोटो सामने आने के बाद इसकी जांच कराई जानी चाहिए कि कहीं फोटो के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं की गई। उनका मानना है कि बच्चों के दावे को सिरे से नकारा नहीं जा सकता है। सबसे पहला तो जो इन्वेस्टिगेशन चाहिए वो ये चाहिए कि ये जो तस्वीर है वो कितनी जेन्युइन है, और इसके लिए जो इमेज प्रोसेसिंग करते हैं, जो फोटोग्राफी के एक्सपर्ट्स हैं, जो फोटोग्राफी में एडिटिंग करते हैं, दे विल बी एबल टू टेल बेटर कि ये कितनी जेन्युइन तस्वीर है और कितनी मैन्युफैक्चर्ड तस्वीर है। लेकिन मैं ये कहने के लिए बिल्कुल ऐसा कमर कस के तैयार नहीं हूं कि ये बिल्कुल फेक तस्वीर है, ऐसा भी मैं नहीं कहूंगा। यूपी में अब जनता खुद ही इंसाफ करने निकल पड़ी है, ना कानून का डर ना पुलिस का। मुरादाबाद और मेरठ दोनों जिलों में जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन्हें देखकर तो यही लगता है। मेरठ में एक युवक को चोरी करते हुए पकड़े जाने पर लोगों ने उसे लाठियों से जमकर पीटा, भीड़ में जो भी आया उसने युवक पर हाथ साफ किया। वहीं मुरादाबाद में साइकिल चोरी करते हुए पकड़े जाने पर एक युवक को बुरी तरह सड़क पर घसीटा गया। अगर इन दोनों युवकों ने चोरी की घटना को अंजाम भी दिया तो भी पुलिस को भी इतनी सजा देने का अधिकार नहीं जो जनता ने इन्हें दे दी। ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं मेरठ और मुरादाबाद की, जहां मेरठ में एक चोर के साथ भीड़ पिटाई कर रही है, तो वहीं मुरादाबाद में भी कुछ ऐसा ही वाकया देखने को मिला जहां एक साइकिल चोर को सड़क पर घसीटा गया। तो अब पुलिस के इंसाफ की भी जनता को दरकार नहीं है। हाथरस के थाना कोतवाली में एक ट्रक ने बाइक सवार दो को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार महिला की मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा काटा और सड़क जाम कर आर्थिक मदद की मांग की। वहीं बलिया के चितबड़ा गांव में नेशनल हाईवे 31 पर रोडवेज बस और कार की सामने आमने टक्कर हो गई। हादसे में कार चालक समेत दो लोगों की मौत हो गई और चार लोग समेत 18 लोग घायल हो गए, जिसमें चार की हालत गंभीर बनी हुई है। तो दो अलग अलग जगह पर हादसे हो गए, जहां पर एक ट्रक ने बाइक सवार दो लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हाथरस में भी रोडवेज बस गिर गई और जिससे लोग घायल हो गए। कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के मंधना इलाके में बाइक सवार लुटेरों ने एक महिला को चाकू मारकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। लुटेरों ने महिला को चाकू मारकर उसके कान के सोने की बालियां, चेन और नकदी लूट ली। वहीं हमले में महिला घायल हो गई, जिसे स्थानीय लोगों ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। तो बदमाशों ने आपको बता दें, महिला को चाकू मारकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। महिला के सोने की चेन, बालियां और नकदी महिला से छीन लिए, और इतना ही नहीं महिला को घायल भी कर दिया। अहम खबर आगरा से, जहां बुलेरो में ट्रक ने टक्कर मार दी है। बुलेरो सवार दो व्यक्तियों की मौत हो गई है, चार लोग घायल हो गए। इतमादपुर इलाके के एचएच का ये मामला है। आपको बता दें कि बुलेरो ने टक्कर मार दी है ट्रक ने, इसमें बुलेरो सवार दो व्यक्तियों की मौत हो गई है, जबकि चार लोग घायल हो गए हैं। इतमादपुर इलाके के एचएच का ये मामला है, जहां पर ये हादसा हो गया। आपको बता दें, हादसा उस वक्त हुआ जब ट्रक ने बुलेरो में टक्कर मार दी, और ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार लोग घायल हैं। आपको बता दें कि इतमादपुर इलाके की एचएच का ये मामला है। शिव चौहान हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। शिव, किस वक्त ये हादसा हुआ और कैसे हादसा हुआ? देखिए मैं बताना चाहूंगा, जो आज सुबह अल सुबह की घटना है, ये बुलेरो प्रोग्राम की तरफ से आगरा की तरफ आ रही थी और ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी। इसमें करीब 9 लोग सवार थे, इसमें 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी।
उधर अंबेडकर नगर में जिला अस्पताल समेत जिले के स्वास्थ्य केंद्रों पर भारी अव्यवस्था दिखाई दे रही है। जिला अस्पताल में तो तीमारदार से लेकर मरीज तक सभी परेशान हैं। ना तो समय से चिकित्सक आते हैं और ना ही समय से इलाज होता है। दवाएं भी बाहर की लिखी जाती हैं। कई बार इसकी शिकायत स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन और राज्य स्वास्थ्य मंत्री शंखलाल मांझी से भी की गई, लेकिन दोनों ही मंत्री अपने ही जिले के स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर संजीदा नहीं दिख रहे, जिसके चलते जिला अस्पताल में चिकित्सकों की लापरवाही के चलते वर्ष 2014 और 15 में आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 2 प्रसूताएं भी शामिल हैं। महोबा में एसबीआई से रुपए निकाल कर जा रहे लिपिक से 2 दिन दहाड़े सवार 2 लुटेरों ने बैग छीन लिया और लफुचक्कर हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने बैंक पहुंचकर सीसीटीवी कैमरों की मदद से लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल सदर कोतवाली क्षेत्र के परमानंद तिराहे के पास सुरेंद्र कुमार ने अपने जीपीएफ के 80,000 रुपए भारतीय स्टेट बैंक से निकालकर अपने घर जा रहा था। तभी पहले से घात लगाए बैठे तो बाइक सवार लुटेरों ने पैदल जा रहे लिपिक का बैग छीन कर भाग गए। सीतापुर के शहर कोतवाली के आलम नगर इलाके में शराब के नशे में धुत एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, साथ ही खुद को भी घायल कर लिया। बताया जा रहा है कि राजू आए दिन शराब पीकर अपनी पत्नी रेशमा से झगड़ा करता था। मंगलवार को भी शराब के नशे में घर आया और रेशमा से झगड़ा करने लगा। रेशमा के विरोध करने पर उसने धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी। वहीं जानकारी मिलते ही मृतका के परिजनों ने हत्यारे पति की जमकर पिटाई कर दी। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लेकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। उधर मेरठ के थाना खरखौंदा क्षेत्र में एडिशनल कमिश्नर फाइनेंस की अनियंत्रित गाड़ी ने 2 बाइक सवारों को कुचल दिया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि एक युवक घायल हो गया। पुलिस ने गाड़ी के ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटना मेरठ के थाना खरखौंदा क्षेत्र के हापुड़ रोड की है, जहां अंकुर और नीरज बाइक से हापुड़ जा रहे थे। तभी रास्ते में मेरठ में ही तैनात एडिशनल कमिश्नर फाइनेंस अनिता सिंह की नीली बत्ती लगी, गलत साइड से तेजी के साथ अनियंत्रित तरीके से आई और उसने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे नीरज की मौके पर ही मौत हो गई जबकि अंकुर गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के वक्त अनिता सिंह खुद गाड़ी में मौजूद थी। फिलहाल पुलिस ने गाड़ी के ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दिल्ली के आईटीजी ऑडिटोरियम में म्यूजिकल हेरिटेज का आयोजन किया गया, जिसमें गिरीश कुमार ने शास्त्रीय गायन से समा बांधा, तो वहीं उस्ताद अकरम खान और उससे 11 साल के बेटे जारगम अकरम खान ने तबले की थाप पर ताल ठोकी। वहीं पंडित राजेंद्र गंगनानी ने कथक नृत्य प्रस्तुत किया। सभी ने अपनी कलाओं का बेहतरीन प्रदर्शन कर समा बांध दिया और श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता ऑस्कर फर्नांडीज भी शामिल हुए। उन्होंने सभी कलाकारों को सम्मानित भी किया। शास्त्रीय संगीत की विधिवत शिक्षा ले चुके गिरिजेश कुमार आईटीजी ऑडिटोरियम में संगीत से शाम को बांधा गया। शास्त्रीय संगीत का आयोजन वहां पर किया गया, जहां कलाकारों ने अपनी कला से समा बांधा। आपको बता दें कि जहां तबले की थाप वहां पर सुनाई दी, तो शास्त्रीय संगीत भी इस ऑडिटोरियम में गूंजा। आपको बता दें कि म्यूजिकल हेरिटेज का आयोजन किया गया था, जिसमें गिरिजेश कुमार ने शास्त्रीय गायन से समा बांध दिया। उस्ताद अकरम खान और उनके बेटे ने भी तबला वादन इस दौरान किया, तो वे पंडित राजेंद्र गंगनानी ने कथक नृत्य पेश किया। आपको बता दें कि सम्मानित भी यहां पर किया गया और इन सभी ने अपनी कला से समा को बांध ही रखा। कांग्रेस नेता ऑस्कर फर्नांडीज ने सभी को सम्मानित भी इस दौरान किया। तो आपको बता दें कि जहां तबला वादन ने समा को बांधा। मुख्य सचिव आलोक रंजन अपने 2 दिन के दौरे पर मथुरा पहुंचे, जहां पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में मुख्य सचिव ने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्य सचिव ने मथुरा के विकास कार्यों की भी समीक्षा की, लेकिन मुख्य सचिव विकास कार्यों से असंतुष्ट नजर आए। वहीं किसानों के मुआवजे के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुआवजे की राशि में कोई कमी नहीं आएगी। उनकी मैडमों को पकड़ा है,